बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज बाय अनीसा जफर फॉर कोर्स नंबर 301 फिजिकल ज्योग्राफी। वी आर फॉलोइंग द बुक जियोसिस्टम्स बाय रॉबर्ट क्रिस्टोफर सन फॉर दीज लेक्चर्स, एंड दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज एटमॉस्फेयर एंड सरफेस एनर्जी बैलेंसेस। सो लेट्स डिस्कस एनर्जी बैलेंस इन troposphere, that how energy is balanced in the troposphere. Troposphere is the lowest layer of atmosphere which is present just above the surface of earth, and this is the densest layer of atmosphere. Iski density sabse zyada hai aur ye atmosphere ki wo layer hai jisme life exist karti hai, jo life ko support karti hai. So ek nature ka rule hai, एनीथिंग इज़ बैलेंस्ड बाय गिव एंड टेक थिंग। सो इसी तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर या ट्रोपोस्फेयर के अंदर एनर्जी बैलेंस इस तरह से होती है मेनली कि सन इज़ गिविंग इंसुलेशन, जिस जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर में, इसी तरह अर्थ सरफेस उसको रिटर्न करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में। सो दिस इनकमिंग एनर्जी एंड आउटगोइंग एनर्जी दैट creates balance in the atmosphere. ये main agents हैं atmospheric energy balancing के. Other than that, there are many other supporting processes. So this incoming solar radiation, जो आने वाली waves हैं, आने वाली energy है, और जाने वाली energy जो कि long wave radiation की form में है, इनकी amount more or less same होती है. जब भी atmosphere के अंदर जो originally energy मौजूद है वो एक limited amount में रहती है या एक limited figure के आसपास ही fluctuate करती है, जिसकी वजह से earth के systems सारे smoothly run करते हैं. But then what happens के sometimes this energy balance is disturbed, और उसका एक main factor है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एटमोस्फेरिक वार्मिंग, जिसको आपने ग्लोबल वार्मिंग के नाम से सुना होगा. सो व्हाट हैपेंस देयर कि एटमोस्फेयर के अंदर, स्पेशली इन द ट्रोपोस्फेयर, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द डेंसेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स इसी लेयर के अंदर हैं. सो ऑल द अनवांटेड पार्टिकल्स, स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे एटमोसफेयर के अंदर बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं. सो व्हेन द एनर्जी इज ट्रैप्ड इन दोज मॉलिक्यूल्स, दोज टाइनी लिटिल पार्टिकल्स, तो अर्थ का एनर्जी बैलेंस डिस्टर्ब होता है और टेम्परेचर्स, एनर्जी लेवल हाई होता है. व्हेन एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटमोसफेयरिक पार्टिकल्स आर हाई, जब एटमोसफेयर के पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल हाई होते हैं, एट दैट टाइम द ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, जो कि अब ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है, अब यूज होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज है या एटमोस्फेयरिक वार्मिंग है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इंक्रीजेस. और इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज द लॉन्ग वेव रेडिएशन विच वर अबाउट टू लीव द एटमोसफेयर एंड गो इन टू द स्पेस, दे गेट ट्रैप्ड इन द एटमोसफेयर. इसी तरह से वो पार्टिकल्स शॉर्ट वेव को भी ट्रैप करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लॉन्ग वेव को अपने अंदर ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं, और टेम्परेचर के हाई होने की वजह से एनर्जी बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो इस एनर्जी के ट्रैप होने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, इस फिनोमिनन को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट्स जस्ट लाइक द ग्रीन हाउस विच आर यूज टू ग्रो द प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो शीशे के घर बनाए जाते हैं, या उसमें शेड्स यूज करके और उसमें नर्सरी प्लांट्स की लगाई जाती है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो. सो what happens इन दैट ग्रीन हाउस इज दैट ये वो एनर्जी को ट्रैप करके रखती है सनलाइट को, और तो वहाँ का एनवायरमेंट अपने सराउंडिंग से हॉटर होता है, टेम्परेचर्स आर हायर इनसाइड द ग्रीन हाउस. सो जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये इफेक्ट होता है कि एनर्जी इज ट्रैप्ड, उस सिमिलैरिटी की वजह से इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट. राइट, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इस वक्त ग्लोबली एक इशू बना हुआ है, एंड द मेन रीजन फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ती जा रही है.
and due to which when there are more carbon dioxide particles, those particles are trapping more energy, जिससे temperatures high हो रहे हैं. और initially उसके लिए terminology use की जाती थी कि global warming हो रही है, but now क्योंकि global warming का ये मतलब होगा कि generally के temperatures are increasing everywhere, but ये नहीं हो रहा, बल्कि overall globally temperatures are disturbed somewhere. It's getting hotter than usual and somewhere it's getting colder than usual. तो जब ये phenomenon देखा गया कि कुछ areas अपने normal temperature से ठंडे होते जा रहे हैं, फिर terminology को global warming से change करके अब use किया जाता है climate change. That climate, we are experiencing climate change globally because of greenhouse effect, because of increasing carbon dioxide percentage or concentration in the atmosphere. Right now, the role of clouds in the greenhouse effect. So clouds के होने और ना होने से troposphere के temperature पे बहुत impact पड़ता है. Firstly, it depends upon the types of cloud, के cloud की type कौन सी है, cloud की height क्या है, उसके according atmosphere पे उसका effect different way में होगा. So this is an illustration which shows the example के how cloud type plays its role in defining the temperature of an area, temperature of troposphere, a section of troposphere. So if the clouds are high and thin clouds, normally high clouds जो हैं वो thin होते हैं. Cloud types को हम इंशाल्लाह आगे chapter में discuss करेंगे, but here just for the topic, high clouds are generally thin. So what's happening के जब high clouds होते हैं तो उस time पर troposphere में warming ज़्यादा dominant है, right? So warming कैसे हो रही है कि less short wave radiations are reflected back, क्योंकि clouds में वो thickness नहीं होती ऊपर से आने वाली waves के लिए, और short wave तो आराम से penetrate कर जाती है. इस वजह से बहुत कम reflection है high clouds में, और ज़्यादातर एनर्जी या तो डिफ्यूज्ड फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में शॉर्ट वेव रेडिएशन सरफेस तक रीच कर रही है. नाउ जो लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट आउट हो रही है अर्थ सरफेस से, व्हाट्स हैपनिंग टू दोज, क्योंकि वो उनकी वेवलेंथ बड़ी हैं तो वो उन क्लाउड्स से टकरा के वापस आ जाती हैं, और बहुत कम है जो एस्केप कर जाती हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पतला इंसान छोटे रास्ते से भी निकल जाएगा और एक मोटा इंसान फंस जाएगा. तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन मोटे इंसान हैं, मोटे इंसानों की तरह हैं तो ये फंस जाते हैं, जबकि शॉर्ट वेव रेडिएशन आर दुबले पतले, सो दे पेनिट्रेट द क्लाउड्स. सो जिसकी वजह से शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव दोनों की कंसेंट्रेशन जमा होती है और ट्रोपोस्फेयर के अंदर वार्मिंग का प्रोसेस डोमिनेट करता है. तो ये क्लाउड का रोल हुआ कि हाई क्लाउड्स सपोर्ट वार्मिंग ऑफ एटमोसफेयर. नाउ फॉर द लो क्लाउड्स हेयर इन द राइट हैंड साइड इमेज आप देख सकते हैं कि ये लो क्लाउड्स हैं, और लो क्लाउड्स थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं, बट फॉर दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन दोज लो क्लाउड्स विच आर थिक इन नेचर. और यहाँ स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, वी विल डिस्कस दोज टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इन द अपकमिंग चैप्टर्स. स्ट्रेटस जो स्ट्रेटा लेयर को कहते हैं, तो ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं. ओके, सो दिस लो क्लाउड लेयर प्रोमोट्स कूलिंग ऑफ एटमोसफियर. सो दिस कूलिंग हैपन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से कम एनर्जी क्लाउड के नीचे पेनिट्रेट कर रही है. और इसी तरह से जब कम एनर्जी आएगी तो लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कम ही प्रोड्यूस होंगी, और उन लॉन्ग वेव रेडिएशंस में से भी चंद एक हैं जो समहाउ एस्केप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर क्लाउड के नीचे ट्रोपोस्फेयर के अंदर लो होता है और कूलिंग का प्रोसेस होता है. सो दिस इज हाउ क्लाउड्स प्ले देयर रोल. अच्छा, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड है जिसको हम कहते हैं जेट कंट्रेल्स. So jet contrails are the cloud lines which are produced by jets. आपने देखा होगा sky पर जब rockets गुजरते हैं तो एक line बन जाती है, सीधी line sky पर, जिसे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं. So वो actually cloud production है, या clouds की formation है
जेट का जो एग्जॉस्ट होता है उस एग्जॉस्ट की वजह से ऊपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और उसके एग्जॉस्ट का टेम्परेचर काफ़ी गर्म और उसमें से यू कैन से फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर जब मिलते हैं तो वहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और इतना इतनी फास्ट कंडेंसेशन होती है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है. सो दोज क्लाउड्स आर कॉल्ड एज जेट कंट्रेल्स. सो जेट कंट्रेल्स क्योंकि जेट प्लेन्स और रॉकेट्स ये बहुत हवा में एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ हाई अल्टीट्यूड पे ये फ्लाई करते हैं जिसकी वजह से हाई क्लाउड्स बनते हैं और जब हाई क्लाउड्स बनते हैं तो फिर ये वाला फिनोमिनन होता है एटमॉस्फेरिक वार्मिंग का. सो दैट्स व्हाई दुनिया के वो शहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट फ्लो करते हैं लाइक यूरोपियन सिटीज़ एंड लाइक अमेरिकन सिटीज़, वहाँ पर जेट कंट्रेल्स की वजह से टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस आता है और एटमॉस्फेयर में वार्मिंग इफेक्ट डोमिनेंट होता है. ओके सो दीज आर सम ऑफ द इमेजेस ऑफ जेट कंट्रेल्स. लेफ्ट हैंड साइड इमेज पर बहुत ज़्यादा जेट कंट्रेल की फॉर्मेशन है एंड दिस पिक्चर इज ऑब्वियसली टेकन फ्रॉम सम सैटेलाइट. और ऑन द राइट हैंड साइड इमेज देर इज अ जेट कंट्रेल विच इज जस्ट अ सिंगल जेट कंट्रेल और ये जो क्लाउड्स बनते हैं ये सिरस क्लाउड्स बनते हैं एंड दीज आर नॉट फॉर्म्ड नेचुरली इसलिए इनको कहते हैं फॉल्स सिरस क्लाउड्स. वही है. सो दीज आर फॉल्स सिरस क्लाउड्स एंड दे अफेक्ट द टेम्परेचर्स और थ्रू आउट द 24 आवर टाइम पीरियड हमारे पास दो टेम्परेचर्स होते हैं. वन इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड वन इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे. सो 24 घंटों के दौरान हाइएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर का जो डिफरेंस लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डायअर्नल टेम्परेचर रेंज DTR. सो दिस डायअर्नल टेम्परेचर रेंज is highly affected by the clouds. When there is cloud, the DTR or the diurnal temperature range is less. Temperature ka difference kam aayega. Aur agar clouds nahi honge, to temperature ka difference bahut zyada hoga. Iski ek simple example jo hum use karte hain, that is the example of deserts. Deserts mein koi cloud nahi hote. जिसकी वजह से दिन के वक्त डेजर्ट के टेम्परेचर्स 40-50 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं और नाइट टाइम टेम्परेचर्स वहाँ पर इन मैनी ऑफ द रीजन्स इन मैनी ऑफ द डेजर्ट्स द नाइट टाइम टेम्परेचर्स आर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम टेम्परेचर जाता है. तो 50 से लेकर 10 तक यानी टेम्परेचर में 40 सेल्सियस डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसी तरह जब आप किसी ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे क्लाउड्स होते हैं और ये वो एरियाज हैं जो इक्वेटर पर लाए करते हैं द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल. इसके अलावा क्लाउड्स और भी डिफरेंट एरियाज में होते हैं बट फॉर द एरियाज विच आर एंड लाइंग एट इक्वेटर तो वहाँ पे क्लाउड तकरीबन सारा साल वहाँ पे क्लाउड्स रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर इट हार्डली गोज फ्रॉम 26 to 28. 24 घंटे पूरा साल वहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्रीज 27 डिग्रीज इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता. तो ये क्लाउड का रोल है कि हाउ क्लाउड इज अफेक्टिंग द डायर्नल टेम्परेचर रेंज. ओके व्हेन देर इज क्लाउड द DTR इज लेस एंड व्हेन देर इज नो क्लाउड द DTR इज मोर. ओके सो हेयर इज अ डिटेल्ड इलस्ट्रेशन of energy balance in the atmosphere. So first let's have a look at these yellow arrows. These are the short wave radiation. Yellow arrows jo hain ye short wave radiation hai aur some of those are reaching the earth surface directly. To ye direct reaching hai short wave radiation ki and then here there is some diffused radiation, this one. Okay, so a big portion is reflected back. ठीक है, ये क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हुए तो इसके साथ साइन आया माइनस का, यानी कि ये अर्थ की एनर्जी जो उस वक्त मौजूद है उसमें एडअप नहीं होगी बल्कि ये माइनस होगी. इसके अलावा
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग, ये भी माइनस में साइन जाएगा. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं जब एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हिट करते हुए सोलर एनर्जी वापस स्पेस की तरफ चली जाए. तो क्लाउड से रिफ्लेक्शन है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है और उसके साथ स्कैटरिंग का फिनोमिनन है. जब स्कैटरिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द वेव्स डू नॉट रीच द सरफेस, बल्कि वो ऊपर ही एटमॉस्फेयर में यहाँ वहाँ फैल जाती हैं. ओके, देन हियर दिस पार्ट, इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस 18. सो दिस दीज आर द शॉर्ट वेव रेडिएशंस विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस. तो जाहिर है जिसको गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे कंट्रीब्यूट करेंगे. तो जो कंट्रीब्यूट करेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, उसमें प्लस का साइन है. ओके, देन एब्जॉर्ब्ड बाय क्लाउड्स, इसमें भी प्लस 3 है क्योंकि क्लाउड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. Now, this direct radiation, when it's reaching, तो ये भी contribute करेगा temperature को, so इसलिए इस पर plus का sign है. जो reflect back हो गया that is minus, and this is the diffused radiation which reaches the surface of earth. Okay, then surface heat input, this is plus, यानी कि जो surface पे absorb होके और फिर रेडिएट कर रही है सरफेस के बिल्कुल ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, एडवैक्शन, इसको कहते हैं एडवैक्शन. सो दिस ऑल्सो इज एडेड अप. देन एटमॉस्फेरिक हीट इनपुट अर्थ सरफेस से ऊपर खुली हवा में, वहाँ पर भी हीट का जो फ्लो है हॉरिजॉन्टल फ्लो, दैट इज हीट इनपुट, और वो भी प्लस साइन में है. नाउ देयर हियर दिस इज हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दिस रेड एरो, ये माइनस 8 है. दिस इज ऑल्सो एस्केपिंग टू द स्पेस. हेयर सम ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन आर रेडिएटेड बाय द ओजोन लेयर, और वो भी स्पेस में एनर्जी को रिलीज करती है. तो ये भी माइनस में, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर के डायनामिक प्रोसेसेस के अंदर हवा के चलने की वजह से और डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से जो एनर्जी स्केप कर जाती है, तो दैट इज ऑल्सो इन माइनस. सो दिस इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेरिक एनर्जी बैलेंस. दिस इज एन इलस्ट्रेशन विच शोज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ इंसुलेशन. सो बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हियर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सोलर एनर्जी सीधी वेव्स में पड़ती हैं, और वी कैन से डायरेक्ट रेडिएशन एट हाई एंगल्स, 90 डिग्री के एंगल पे, 85 डिग्री के एंगल पे सनलाइट हिट करती है अर्थ सरफेस को. कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसमें इक्वेटर भी शामिल है. सो इन दैट रीजन देयर इज हाई एनर्जी इनपुट, और एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जमा हो जाती है. सो मोर इनपुट लेस आउटपुट रिजल्ट्स इन एनर्जी सरप्लस किन एरियाज में? बिटवीन द ट्रॉपिक्स. नाउ व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द पोल एंड द पोलर एरियाज, सो देयर व्हाट इज हैपनिंग कि लेस एनर्जी इनपुट आ कम रही है और एनर्जी जा ज़्यादा रही है. तो यहाँ पर होता है डेफिसिट, पोलर एनर्जी डेफिसिट हियर. सो इन द सेंटर देयर इज एनर्जी सरप्लस, एंड इन द कॉर्नर्स और वी कैन से नियर द पोल्स देयर इज एनर्जी डेफिसिट. तो ये सरप्लस और डेफिसिट किस तरह से कवर होते हैं कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दीज एरियाज टू द कोल्डर एरियाज. ये आपको एरोज ये बने हुए नजर आ रहे हैं, ये एरोज शो कर रहे हैं कि एनर्जी का क्या फ्लो पैटर्न है. सो द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सरप्लस एरियाज टू द डेफिसिट एरियाज, और ये भी एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है. ये ग्लोबली डिफरेंट लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इस स्केच में है, और थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी कि वर्टिकली क्या प्रोसेस है एनर्जी बैलेंस के लिए. सो देर आर मैनी प्रोसेस रनिंग टुगेदर टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द एटमोसफेयर. सो हेयर इज अ सिंप्लीफाइड सर्फेस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन
SW शॉर्ट वेव इंसुलेशन, SW रिफ्लेक्शन. सो जो इंसुलेशन है वो प्लस है, एड अप हो रही है, जो रिफ्लेक्शन है शॉर्ट वेव वो माइनस. इसी तरह लॉन्ग वेव, इंफ्रारेड या जो अर्थ सरफेस से रिलीज हो रही है, दैट इज़ एडेड अप. एंड देन अनदर इंफ्रारेड रेडिएशन विच इज़ स्केपिंग इन टू द स्पेस इज़ माइनस. तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है नेट रेडिएशन, या टोटल जो एक अमाउंट है एनर्जी की जो एटमोसफेयर में नीडेड है टू रन द अफेयर्स स्मूथली, दैट इज़ अचीव्ड नेट रेडिएशन. और क्या है उसमें, दो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव माइनस में है और दो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव प्लस में है. तो ये एक सिंप्लीफाइड इसकी इक्वेशन है. और देर इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी. एंड माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ये अर्थ सरफेस के करीब जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो एटमोसफेयर की कंडीशन होती है, वन वी स्टडी दैट द एटमोसफेयरिक कंडीशन नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी. जब हम एटमोसफेयरिक कंडीशन को अर्थ सर्फेस के पास उसके बिल्कुल करीब स्टडी करें तो वो माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी है. ओके, सो देर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ दैट इक्वेशन. प्लस एस डब्ल्यू प्लस शॉर्ट वेव माइनस शॉर्ट वेव प्लस लॉन्ग वेव माइनस लॉन्ग वेव. तो ये इसकी, दिस इज हाउ इट हैपन्स एक्चुअली. And then this graph shows the radiation curve के 24 hours के अंदर temperature pattern क्या चलता है. तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं बहुत important. First one is the coolest time of the day, और ये coolest time of the day होता है sunrise से थोड़ा पहले या sunrise के around. Generally हम अगर कराची की बात करें या most of the areas की, तो coolest time of the day होता है सुबह 6 बजे के आसपास. And then उसके बाद एनर्जी रिसीट या जो इनकमिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहती है और नून टाइम आता है. और नून टाइम के बाद इट्स काइंड ऑफ अ सैचुरेशन लेवल, और उसके बाद जो एनर्जी आती है वो स्टोर होती रहती है, फर्दर स्टोरेज होती रहती है आफ्टर नून, क्योंकि 12 बजे सूरज टॉप पोजीशन पे आता है जिसको हम कहते हैं जेनिथ. सो व्हेन द सन कम्स इन द जेनिथ, उस वक्त वो मैक्सिमम एनर्जी फेंक रहा होता है. और उसके बाद जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है तो मैक्सिमम एनर्जी तो 12 बजे आ गई, अब फिर भी एनर्जी आ रही है उसके बाद भी, क्योंकि सूरज में वही शिद्दत तो रहती है दोपहर 3-4 बजे तक. तो वो एनर्जी जमा होते होते एक टाइम आता है जिसको हम कहते हैं वार्मेस्ट टाइम ऑफ द डे, एंड दिस इज जनरली अराउंड 3 PM इन द आफ्टरनून. सो कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द डे अगर हम कराची की बात करें तो सुबह 6 बजे, और वार्मेस्ट टाइम ऑफ द डे दोपहर 3 बजे. होना तो ये चाहिए था 12 बजे हो, लेकिन 12 बजे वार्मेस्ट टाइम नहीं होता बल्कि 3 बजे होता है, क्योंकि 12 से 3 बजे तक एक एनर्जी जो 12 बजे आई और उसमें वो एनर्जी फर्दर एड अप होती रहती है. दैट्स व्हाई दैट इज़ द वार्मेस्ट टाइम ऑफ द डे. और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी डेली टेम्परेचर रेंज, तो दैट रेंज इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वार्मेस्ट टेम्परेचर एंड दिस, राइट. सो दिस इज द डेली रेडिएशन कर्व. दिस इज अ मैप विच शोज द ग्लोबल नेट रेडिएशन, कि ग्लोबली कौन सी जगह हैं जहाँ पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है. सो हियर दीज ग्राफ्स, इनको इन ये जो रेड लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड एज आइसो लाइंस, द लाइंस विच शोज प्लेसेस वेयर द वैल्यूज आर द सेम. अगर हम बात करें इस लाइन की, ये सबसे नीचे जो लाइन है, तो इसने इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी एरियाज हैं सब में कौन सा नेट रेडिएशन होगा, 55 वाट्स पर मीटर स्क्वायर. नेट रेडिएशन का यूनिट है यहाँ पर वाट्स पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज 55. देन इफ वी सी द हाईएस्ट वैल्यू हमें नजर आ रही है वो है 185 की यहाँ पर, एंड दिस इज द रीजन वेयर वी हैव डेजर्ट्स, अरेबियन डेजर्ट है, और इसके थोड़ा सहारा डेजर्ट है, और यहाँ पर भी 160 की वैल्यू है. हियर ऑल्सो इट्स 160 और 135. देन व्हेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पोल दिस नेट रेडिएशन वैल्यू डिक्रीजेस, के हमें यहाँ पर 15 वाट्स पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू भी नजर आ रही है. देन हियर वी हैव 135, देन 135. सो दिस इज द
मैप ऑफ ग्लोबल नेट रेडिएशन. सो वी कैन सी के पोल जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, सब ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिक के बाद उसके बिल्कुल करीब एडजेसेंट एरियाज, सो दोज एरियाज हैव हाई नेट रेडिएशन वाइल द पोलर एरियाज एंड सब पोलर एरियाज हैव लो नेट रेडिएशन. सो ड्यू टू दिस नेट रेडिएशन वैल्यू डिफरेंसेस हीट फ्लो होती है और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ताकि एक बैलेंस की सिचुएशन बने. सो हाउ द नेट रेडिएशन इज एक्सपेंडेड और इट इज ट्रांसफर्ड, सो देर आर थ्री ऑफ कॉमन वेज. फर्स्ट वन इज एल ई, द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, एंड देन द एच, सेंसिबल हीट, देन जी विच इज ग्राउंड हीटिंग एंड कूलिंग. सो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेटिंग वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, दे एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो जिस सरफेस से भी पानी इवेपोरेट करेगा वो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी को लेकर उड़ेगा, ठीक है. तो वो है रोल ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के ड्यू टू इवेपोरेशन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्फेस टू द एटमोसफेयर. उसके बाद जाहिर है वाटर वेपर से एक जगह पे हवा में ठहरे नहीं रहते बल्कि वो विंड की वजह से इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो ये एक नेट रेडिएशन का ट्रांसफरिंग पैटर्न है. फिर सेकेंड हमारा है सेंसिबल हीट, विच इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द एयर एंड द सर्फेस, यानी जो डायरेक्ट सर्फेस और एटमोसफेयर के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज द सेंसिबल हीट. तो सेंसिबल हीट ट्रांसफर में कॉन्वेक्टिव प्रोसेसेस डोमिनेंट होते हैं. देन वी हैव द ग्राउंड हीटिंग और कूलिंग, जिसमें कंडक्शन के थ्रू रेडिएशन ट्रांसफर होता है या हीट ट्रांसफर होती है. सो एल ई बाय एवेपोरेशन, सेंसिबल हीट एच बाय कॉन्वेक्शन, देन जी और ग्राउंड हीटिंग कूलिंग बाय कंडक्शन, जो कि पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होता है. नाउ द अर्बन इन्वायरमेंट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं और एटमोसफेयर, अर्बन इन्वायरमेंट या एटमोसफेयर जो है वो लेस नेचुरल होता है. इसमें मैन मेड फीचर्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज हैं, कार्स हैं. सो ड्यू टू दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट is higher compared to its surrounding. So that situation, when the temperature of urban area is higher than its surrounding, then it's called as urban heat island. So here this illustration shows कि ये center में एक urban area है जो कि highly humanized है. इसमें natural feature बहुत कम नज़र आ रहे हैं और यहाँ side पर natural environment है और ये एक you can say suburban area है और ये rural area है, राइट. सो मेन अर्बन एरिया के अंदर दिस रेड लाइन इज द टेम्परेचर कर्व एंड यू सी दैट द कर्व अबव द अर्बन एरिया, द मेन अर्बन सेंटर विच इज द डाउन टाउन, जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं. कराची में हम अगर डाउन टाउन की बात करें तो वो सदर के एरिया को डाउन टाउन कहा जाता है. अब तो खैर कराची में दो चार जगहों पर डाउन टाउन बन गए हैं, बट सदर कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाउन टाउन. सो देयर द टेम्परेचर्स आर हाई, तो टेम्परेचर इतना हाई है कि बाकी सारे कर्व के मुकाबले में ये एक आइलैंड की फॉर्मेशन है. आप अगर समंदर में आइलैंड का स्केच बनाएं तो इसी तरह से कि समंदर की सरफेस ओवरऑल फ्लैट होती है और फिर आइलैंड उसमें से एक उभरी हुई सरफेस है. सो जब टेम्परेचर कर्व एक आइलैंड की फॉर्म में आए, क्योंकि वहाँ पे अर्बन इन्वायरमेंट है और हाई एमिशन ऑफ रेडिएशन है, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी है, पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वहाँ के टेम्परेचर हाई हैं. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड. This is an illustration which shows some typical phenomenon of an urban environment. के concrete surfaces हैं, sealed surfaces हैं, जिसकी वजह से reflection है, irregular reflection है. Atmosphere में dust dome बना हुआ है, बहुत ज़्यादा dust particles हैं, pollutants हैं, जिसकी वजह से energy trap होती है और temperatures यहाँ urban area के अंदर high होते हैं. So this is all for chapter number 4. Thank you very much for watching. Inshallah, we will see you in our next video. Thank you very much.